अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम ब्रॉडकास्ट मीडिया इन डिस्टेंस है, एजुकेशन है। और हमारे सब्जेक्ट और हमारा इस वक्त हम यूनिट नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रॉडकास्ट है। और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सिबला खान आपसे मुखातिब। और ये हमारा बीएड का कोर्स है, जिसका कोर्स कोड नंबर 8621 है। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम इसका पढ़ते हैं। ये क्या है? द प्लानिंग रिलेटेड टू द असेसमेंट ऑफ अ टेलीविजन एज अवेबल एंड वर्किंग सोल्यूशन टू एजुकेट प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये है कि जो टेलीविज़न है, ये हमारे बहुत सारे मसाइल को हल करता है और इसके हमें बहुत ज़्यादा सोल्यूशन मिलते हैं। आगे के वन मस्ट नीड टू एग्जामिन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान विद बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एज वेल एज द रिक्वजिट पोलिटिकल एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द अचीवमेंट ऑफ न्यू पॉलिसी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। यानी कि जिस तरह से ऑब्जेक्टिव्स इसके जो नया नया जैसे ये इंटरनेट का दौर आया है और ये एजुकेशन का जो सिस्टम है, इससे पॉलिटिकली भी और प्री रिक्वजिट है, इसके और भी ज़्यादा फायदे होते हैं अचीवमेंट की तरफ जो है। आगे हम चलते हैं। सच एज प्रिलिमिनरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड टू 3 स्टेजेस। यानी कि डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे सामने नीड असेसमेंट स्टेज। नीड असेसमेंट स्टेज क्या है? इट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोस्ट अर्जेंट एजुकेशन प्रॉब्लम्स एंड द गैदर ऑफ इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू एंड एनालिसिस ऑफ नेचर ऑफ दीज प्रॉब्लम। यानी इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए जो है ये ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल करते हैं। द गेन ऑफ स्पोर्ट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, नॉट विल एक पॉजिटिव इंश्योर हारमोनी। ये पॉजिटिव इंश्योर करता है हारमोनी की तरफ, इतनी अच्छी चीज़ है। ऑफ एफर्ट, एफर्ट के साथ कोशिश किया जाता है। डिसीजन मेकर्स हाउएवर मच रिकॉग्नाइज ऑल पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ रिस्ट्रेन एंड अटेम्प्ट टू इनकॉर्पोरेट देम इनटू अ प्लानिंग प्रोसेस एट एन अर्ली स्टेज। वन सच क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट ऑब्जर्व इन द टीचिंग। यानी कि टीचिंग के अंदर जो है डिसीजन मेकर्स को बहुत फ़ायदा होता है ब्रॉडकास्ट की वजह से। और ये इसके लिए प्लानिंग और प्रोसीजर्स होते हैं, जिसके ज़रिए जो है इसको जो है ममली जामा पहनाते हैं। आई के डी सीम टू बी कॉमन नॉट टू गिव टीचर और देयर इज़ नो प्रीटेंस। यानी कि ये जो है टीचर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ा अच्छा है। आगे के ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के स्टूडेंट्स हम देखते हैं, वो क्या है? नंबर 1 पे डिस्कस द प्रोसीजर फॉर इस्टेब्लिशिंग गोल्स फॉर ब्रॉडकास्ट मीडिया। अरे ब्रॉडकास्ट मीडिया के जो इस्टेब्लिश हुआ है, इसके क्या जो है प्रोसीजर है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्या गोल्स हैं जो इसको हम एलेबरेट करेंगे। नंबर 2 पे क्या है? एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव द प्रोग्राम ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया। यानी कि हम ब्रॉडकास्ट मीडिया के जो एडमिनिस्ट्रेटिव परस्पेक्टिव उसकी नज़र से भी इसको देखेंगे। नंबर 3 पे क्या है? स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रोसीजर और ब्रॉडकास्ट में हम देखेंगे प्रोसीजर क्या है ब्रॉडकास्ट मीडिया का। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी प्लानिंग प्रोसीजर और ब्रॉडकास्ट मीडिया, वो क्या है जी? प्लानिंग प्रोसीजर उसको हम समझते हैं वन बाय वन। एक है प्लानिंग, प्लानिंग करना किसी को, फिर सिलेक्ट टॉपिक, टॉपिक को सिलेक्ट जिसके ऊपर आप वीडियो फिल्म या लेक्चर देना चाहें। नंबर 2 पर सिलेक्ट द स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट किस तरह की आपकी हो, उसकी स्टार्ट है कि बिगनिंग और एंडिंग और बीच में कि आपने मवाद डालना है, वो सारे का सर आपको प्लान मैनेजमेंट उसकी करनी है। नंबर 3rd पे के सिलेक्ट द म्यूजिक, म्यूजिक कौन सा चाहिए, कौन सा गीत संगीत आपकी स्क्रिप्ट के इसको सूट करता है। यानी कि खुशी का है तो खुशी का स्क्रिप्ट हो, तो दुख का म्यूजिक हो, तो ये काफ़ी चीज़ें मैटर। फिर है सेलेक्ट द साउंड इफेक्ट, साउंड इफेक्ट कहाँ पे चाहिए कहाँ पे नहीं, ये बड़ी सोच विचार के बाद ये काम स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे नहीं आ जाता आपके सामने फिल्म आप देख रहे होते हैं। सेलेक्ट द वॉइस, वॉइस कौन सी इससे अगर सूटेबल है, कौन सी नहीं, और कब उसको इस्तेमाल करने बड़ी अहमियत के हामिल है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास बीपीआर है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे हम करते हैं स्टूडेंट वो आपको बताते हैं। द मशीन्स, मशीन बड़ी बड़ी जदीद अब इस्तेमाल होती है, जिसके से प्रोडक्शन होती है, फिल्म बनती हैं, आप उसे इन्जॉय करते हैं, देखते हैं उसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा दिन रात जागने के बाद वो ये काम द मैक्सिमम होता है। डेवलपमेंट द मिक्सिंग, तो मिक्सिंग किस तरह करते हैं, कहाँ पर कटिंग करें, कहाँ पर एडिटिंग करें, इसे कहते हैं द मिक्सिंग। फिर है डेवलपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द ब्रॉडकास्ट मीडिया, किस तरह ब्रॉडकास्ट मीडिया को डेवलप किया जाता है। उसमें नंबर 8 पे क्या है? यूटिलाइज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बोथ फॉर्मल एंड फॉर्मल, फॉर्मल
अनफॉर्मल में एलिमेंट्री एजुकेशन को इसमें डाला जाता है। फिर बी पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर एडल्ट्स लिंकेज एजुकेशन टू इकोनॉमिक सोशल टास्क, सोशल टास्क को पूरा करने के लिए जो है इसको किया जाता है। आगे के सी पे के डेवलप ऑफ वोकेशनल एंड प्रोफेशनल स्किल, वोकेशनल प्रोफेशनल स्किल्स को पूरा करने के लिए हम ये डेवलप करते हैं। डी पे के ट्रेन फॉर सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के काम आते हैं। फिर नंबर ई पे के पोलराइज साइंस विद अ व्यू टू डेवलप अ साइंटिफिक आउटकम, साइंटिफिक आउटकम के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। एफ पे के प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इन लोगों को इकट्ठे जितने भी दुनिया है जितनी भी नेशन है इसे यकता यूनाइट करने के लिए किया जाता है। आगे क्या है फाइन आर्ट्स और ब्रॉडकास्ट मीडिया, ये फाइन आर्ट्स कहाँ से आता है ब्रॉडकास्ट मीडिया, तो क्या है इसके लिए स्टूडेंट डे डीज इन्वेस्टमेंट्स आर बिगिन बींग मेड विद मिनिमल इंफॉर्मेशन कंसर्न, यानी इसके लिए मिनिमल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। नंबर वन पे क्या है इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन टेलीविजन कंपेयर टू द अदर एजुकेशन इम्प्रूवमेंट, यानी कि एजुकेशन की इफेक्टिव होना चाहिए और टेलीविजन के कंपेयर पे। फिर नंबर सेकेंड पे द इकोनॉमिक रिटर्न टू इंक्रीज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्कूल थ्रू एजुकेशन, यानी एजुकेशन टेलीविजन के हिसाब से इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट जो है वो आपकी इकॉनमी की अहम तरीके से। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर टू ख़त्म होता है, हमारा बीएड का कोर्स नंबर 8623 था ये। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम और अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से।